अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इट्स 10th अगस्त। लेट्स स्टार्ट आवर लेसन एंड द टाइटल इज द हैप्पी प्रिंस। आई होप यू हैव योर हाइलाइटर्स एंड योर लेड पेंसिल्स इन योर हैंड्स। लुक एट पेज नंबर 56 योर कोर्स बुक एंड बिफोर यू रीड, हैव यू हेल्प्ड अ फ्रेंड बिफोर? What would you do to help others? क्या आपने कभी अपने किसी दोस्त की मदद की है? अब क्या करोगे लोगों की मदद करने के लिए? इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि हमारा आज का लेसन जो है वो अबाउट हेल्पिंग अदर्स, दूसरों की ज़रूरतमंदों की मदद करने के बारे में ये लेसन है। और बहुत इंटरेस्टिंग आपकी ये एक स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट। A long time ago, in a city of yore, there stood in the middle of the square a statue of a young prince. It was covered from head to toe in fine leaves of gold. The eyes of the prince were two shining blue sapphires, and on the hilt of his sword glittered a brilliant red ruby. He was called the Happy Prince. Underline करेंगे आप इसमें square, statue, sapphires, sword, glittered, brilliant. Now let's see the translation. A long time ago, बहुत ऐसा पहले की बात है। In a city in Europe, यूरोप में एक शहर में, they stood in the middle of the square. Square होता है जहाँ पे four roads आके मिलती हैं, वो central point होता है। तो एक जिसको आप उर्दू में चौक भी बोलते हो, तो वहाँ पर एक square था जिस पर एक स्टेचू लगा हुआ था, अ स्टेचू ऑफ अ यंग प्रिंस। और ये स्टेचू था एक यंग शहजादे का। इट वॉज कवर्ड फ्रॉम हेड टू टो इन फाइन लीव्स ऑफ गोल्ड। सर से पाँव तक ये स्टेचू जो है वो ढका हुआ था, कवर था गोल्ड के बहुत खूबसूरत पत्तों के साथ। द आईज ऑफ द प्रिंस वर टू शाइनिंग ब्लू सेफायर्स। प्रिंस की आंखें जो हैं उनकी जगह पर दो बहुत चमकती हुई ब्लू कलर के सेफायर्स लगे हुए थे। एक मोती होते हैं, एक आप कह सकते हैं जेम होता है। एंड ऑन द हिल्ट ऑफ हिज सोर्ड, और उसकी तलवार के हैंडल पर ग्लिटर्ड अ ब्रिलियंट रेड रूबी, चमक रहा था एक बहुत ज़्यादा शानदार सुरख रंग का रूबी। ये भी एक प्रेशियस स्टोन है, कीमती पत्थर है। ही वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस, उसको कहते थे हैप्पी प्रिंस। एवरी ईयर एज समर ड्रू टू अ क्लोज, द बर्ड्स वुड सेट आउट फॉर वार्मर लैंड्स। द स्वालोज विंटर होम वॉज इन इजिप्ट, एंड बिफोर द नाइट बिकेम कोल्ड दे बिगेन देयर लॉन्ग जर्नी साउथ। हर साल एज समर ड्रू टू अ क्लोज, जैसे ही सर्दियाँ गर्मियाँ ख़त्म होने को आती द बर्ड्स वुड सेट आउट फॉर वार्मर लैंड्स, तो परिंदे रवाना हो जाते ज़्यादा गर्म इलाकों की तरफ। द स्वालोस विंटर होम वॉज इन इजिप्ट, और स्वालो एक बर्ड होता है, उसका सर्दियों का घर इजिप्ट में था, मिस्र में था, क्योंकि वहाँ पर टम्परेचर वार्मर होता है एज कम्पेयर टू यूरोप। एंड बिफोर द नाइट्स बिकेम कोल्ड, और इससे पहले कि रातें ठंडी होती, दे बिगेन देयर लॉन्ग जर्नी साउथ, उन्होंने अपना लंबा सफ़र शुरू कर दिया साउथ की जानिब। अंडरलाइन करेंगे आप समर, वार्मर, जर्नी। समर यू नो अ हॉट सीज़न,
वार्मर ज़्यादा गर्म, एंड जर्नी सफ़र ट्रेवल. वन नाइट अ स्वालो फ्लू अप ओवर द सिटी. मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैड ऑलरेडी लेफ्ट, बट दिस स्वालो हैड बीन डिलेड एंड वॉज नाउ अलोन. सीइंग अ स्टैचू ऑन अ टॉल कॉलम, ही थॉट इट वुड प्रोवाइड अ सेफ प्लेस टू स्लीप. So he flew down to the feet of the happy prince. I have a golden bedroom, said the swallow to himself. What can be a better place to put up for the night? एक रात एक swallow शहर के ऊपर से उड़ रहा था. Most of the birds had already left. ज़्यादातर birds जो हैं वो पहले ही जा चुके थे, शहर से रवाना हो चुके थे. But this swallow had been delayed and was now alone. लेकिन ये उनके साथ नहीं गया था और अब अकेला था. Seeing a statue on a tall column, एक लंबे से कॉलम पर, एक लंबे से पिलर टाइप आप कह सकते हैं, कॉलम के ऊपर एक स्टेचू को उसने देखा. He thought it would provide a safe place. उसने सोचा कि ये उसको एक बहुत महफूज जगह मुहैया करेगा to sleep. रात गुजारने के लिए, सोने के लिए ये सबसे महफूज जगह है. सो ही फ्लू डाउन टू द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस. इसलिए वो नीचे की तरफ उड़कर आया, हैप्पी प्रिंस के पाँव की तरफ. आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, मेरे पास एक सुनहरा बेडरूम है, सेड द स्वालो टू हिमसेल्फ. स्वालो ने अपने आप से कहा, व्हाट कैन बी अ बेटर प्लेस टू पुट अप फॉर द नाइट. रात गुजारने के लिए इससे बेहतर और कौन सी जगह हो सकती है. अंडरलाइन करेंगे स्टूडेंट्स आप, फ्लू ओवर, डिलेड, कॉलम, उसके बाद आप करेंगे अंडरलाइन गोल्डन. Flew over to fly above, delayed to stop for a while, for some time, golden, as you know its color. However, as he settled down to sleep, a large drop of water fell on him. He looked up and he saw that the eyes of the happy prince were filled with tears. ताहम जब वो सोने के लिए सेट हुआ, उसने लेट गया, a large drop of water fell on him. पानी का एक बहुत बड़ा कतरा उसके ऊपर गिरा. He looked up, उसने ऊपर देखा, and saw that the eyes of the happy prince were filled with tears. कि happy prince की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी. The swallow flew up to take a closer look. Swallow उड़ा उसके चेहरे की तरफ ताकि गौर से उसे देख सके. And the prince spoke. और शहजादा बोला, When I was alive, I had a human heart. जब मैं जिंदा था तो मेरे पास एक इंसान का दिल था. He said, I lived in a palace and I was very happy. मैं एक महल में रहता था और मैं बहुत खुश था. I never saw or asked what lay beyond the palace walls. मैंने कभी नहीं देखा था और ना ही कभी पूछा था कि मेरे महल के दीवारों के बाहर क्या हालात हैं. So I lived, so and so I died. ऐसे ही मैं ज़िंदा रहा और ऐसे ही मैं मर गया. मतलब उसको नहीं पता था कि उसकी अवाम, उसकी रियाया कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं. But that was not the end of me. लेकिन ये मेरा एंड नहीं था, मेरा खात्मा नहीं था. As you can see, जैसा कि आप देख सकते हो, I live on it, this form and now. मैं अभी भी इस सूरत में यहाँ पर रहता हूँ. I can see all the misery in my city. मैं हर किस्म के दुख और तकलीफ को अपने शहर में देखता हूँ. Although my heart is made of lead, अगरचे मेरा हार्ट वो लेड से बना हुआ है, आई कैन स्टिल फील एंड एम्फथाइज विद दोज हु आर मिसरेबल.
मैं अभी तक महसूस करता हूँ एंड एम्फेथाइज, और मुझे हमदर्दी महसूस होती है विद दोज उनके साथ हु आर मिजरेबल, जो कि दुखी हैं, तकलीफ में हैं, बुरे हालात में हैं। अंडरलाइन करेंगे आप पैलेस बियॉन्ड। पैलेस इज अ रॉयल हाउस एंड बियॉन्ड जो आपके एक सेंट्रल पॉइंट से बाहर होता है। मिजरी, मिजरी इज ट्रबल, प्रॉब्लम एंड एम्फेथाइज टू फील सिंपथी, हमदर्दी महसूस करना। मिजरेबल इन अ वेरी प्रॉब्लमेटिक कंडीशन। सम डिस्टेंस फ्रॉम हेयर, यहाँ से कुछ फासले पर, इन अ लिटल स्ट्रीट देयर लिव्स अ वुमन, एक छोटी सी सड़क पर, गली में एक खातून रहती है। हर लिटिल बॉय हैज़ अ फीवर एंड इज़ आस्किंग फॉर ऑरेंजेस, उसके छोटे बेटे को बुखार है और वो ऑरेंजेस खाना चाह रहा है। बट शी हैज़ नो मनी टू बाय हिम ऑरेंजेस, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो अपने बीमार बेटे के लिए ऑरेंज ख़रीद सके। स्वालो, विल यू टेक द रूबी फ्रॉम माय शर्ट एंड गिव इट टू द वुमन, डियर बर्ड, क्या तुम मेरी शर्ट से, मेरी तलवार से रूबी उतार के ले जाओगे और इस औरत को दे दोगे ताकि वो अपने बेटे के लिए ऑरेंजेस ख़रीद सके। इट इज़ वेरी कोल्ड आउट बट आई विल डू एज यू आस्क, बहुत सर्दी है बाहर लेकिन मैं ऐसा ही करूँगा जैसा कि तुमने कहा है, सेड द स्वालो। सो ही लूज़न्ड द रूबी फ्रॉम द सोर्ट, उसने ढीला किया उसकी तलवार से रूबी को अपनी चोंच के साथ, फ्लू विद इट एंड लेफ्ट इट ऑन द वुमेन्स टेबल, वो इसको लेके उड़ा और जाके उस औरत के मेज़ पर रख दिया। When the swallow returned to the happy prince, जब वो वापस आया happy prince के पास, he said, isn't it strange, क्या ये अजीब नहीं है, I feel quite warm, although night is cold, मैं अपने आप को बहुत गर्म महसूस कर रहा हूँ अगरचे रात बहुत सर्दी है, बहुत ठंड है। That's because you have done a good deed, ये ऐसा इसलिए है कि तुमने एक अच्छा काम किया है, said the prince, शहजादे ने कहा। The next day, the swallow said, today I must fly to Egypt to join my family and friends. आज मैं ज़रूर इजिप्ट जाऊँगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के मिलने के लिए या उनके साथ ज्वाइन करने के लिए हमारे एक नए होमलैंड को। अंडरलाइन कीजिए स्ट्रेंज डीट, स्ट्रेंज समथिंग अनयूजुअल, डीड अ वर्क। द हैप्पी प्रिंस सेड, स्वालो प्लीज स्टे वन मोर नाइट, स्वालो प्लीज एक रात और रुक जाओ। आई कैन सी अ यंग स्टूडेंट इन अ रूम, मैं देख सकता हूँ एक स्टूडेंट को, एक यंग स्टूडेंट को अपने कमरे में बैठे हुए। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश राइटिंग अ प्ले फॉर द थिएटर, वो थिएटर के लिए अपना एक प्ले कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा है। बट इट इज़ सो कोल्ड एंड ही इज़ सो हंग्री, लेकिन बहुत सर्दी है और उसे बहुत भूख भी लगी है, दैट ही कैन नॉट राइट, इस सर्दी और भूख की वजह से उसे लिखा नहीं जा रहा है। प्लीज़ टुक वन ऑफ द सिफायर्स फ्रॉम माय आईज एंड गिव इट टू हिम, मेरी दोनों आंखों में से एक आंख से सिफायर ले जाओ और उस लड़की को दे दो, ही कैन सेल इट फॉर फूड एंड फायरवुड, वो इसको बेच सकता है खाने के लिए और जलाने के लिए लकड़ी लेने के लिए। अंडरलाइन करेंगे आप थिएटर फायरवुड। अगेन द स्वालो डिड एज ही वॉज आस्क्ड, फिर स्वालो ने वही किया जैसा कि उसको कहा गया था। द स्टूडेंट सोल्ड इट एंड बॉट फ्रूट एंड फूड विद द प्रोसीड्स, स्टूडेंट ने इसको बेच दिया और उस रकम से अपने लिए
खुराक और लकड़ी लेकर आया विद द प्रोसीड्स, जो पैसे उसको मिले उनसे, ताकि वो अपना काम जारी रख सके। देन फुल एंड वार्म, फिर खाना खाने के बाद और अपने आप को, अपने बॉडी टेम्परेचर को गर्म करने के बाद, ही सेट डाउन टू राइट एंड फिनिश हिज प्ले। वो दोबारा लिखने के लिए बैठा और उसने अपना कंप्लीट कर लिया प्ले। प्रोसीड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। द नेक्स्ट नाइट द स्वालो गेव द अदर सफायर टू अ पुअर लिटल गर्ल हु वाज सेलिंग मैचेस इन द स्ट्रीट। अगली रात भी स्वालो ने दूसरा सफायर एक छोटी सी लड़की को जाकर दे दिया, जो कि सड़कों पर मैचेस यानी माचिस बेच रही थी। व्हेन द स्वालो रिटर्न्ड द हैप्पी प्रिंस सेट, जब स्वालो वापस आया तो हैप्पी प्रिंस ने कहा, आई कैन नॉट सी नाउ, अब मैं देख नहीं सकता। स्वालो वुड यू फ्लाई ओवर द सिटी एंड टेल मी व्हाट यू सी, क्या तुम शहर के ऊपर उड़ोगे और आके मुझे बताओगे कि तुमने क्या देखा। सो द स्वालो फ्लू ओवर द बिजी सिटी एंड केयरफुली ऑब्जर्व्ड ऑल बिलो हिम। अब स्वालो ने क्या किया कि वो शहजादे की हेल्प करने के लिए पूरे शहर के ऊपर उठता और बहुत एहतियात से ऑब्ज़र्व करता, लोगों को देखता जो जो नीचे फिर रहे थे, कैसे लोग अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे थे। ही सॉ द रिच इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस एंड बेगर्स सिटिंग एट द गेट्स। उसने देखा कि अमीर लोग जो हैं वो अपने खूबसूरत घरों में हैं और फ़कीर जो हैं वो उनके दरवाज़ों के बाहर बैठे हुए हैं। ही सॉ पॉवर्टी स्ट्राइकन फैमिलीज एंड देयर स्टार्विंग चिल्ड्रन। उन्होंने गुर्बत के मारे हुए ख़ानदान और उनके भूखे बच्चे देखे। ही रिपोर्टेड ऑल ही हैड सीन टू द हैप्पी प्रिंस। उसने जो कुछ भी देखा था वो जाके उसने उसकी रिपोर्ट हैप्पी प्रिंस को दी, यानी हैप्पी प्रिंस को उसके बारे में सब कुछ बताया। अंडरलाइन करेंगे आप, केयरफुली ऑब्जर्व्ड बैगर्स पॉवर्टी स्ट्राइकन स्टार्विंग आई एम कवर्ड विद गोल्ड, मैं सोने से भरा हुआ हूँ। द प्रिंस सेट टेक इट ऑफ एंड गिव इट टू द पुअर, ये गोल्ड लीव्स मेरे ऊपर से उतारो और इसको जाके गरीबों में बांट दो। द स्वालो टुक ऑफ द गोल्ड लीव्स फ्रॉम द हैप्पी प्रिंस वन बाय वन अंटिल द प्रिंस लुक्ड ग्रे एंड डल। अब स्वालो ने क्या किया कि उसके गोल्ड लीव्स को उतारना शुरू कर दिया एक एक करके, यहाँ तक कि प्रिंस की बॉडी से सारे गोल्ड लीव्स उतर गए। अब वो लगने लग गया ग्रे कलर का एक डल सा स्टेचू। बाय दिस टाइम, इस वक्त इट हैड स्टार्टेड स्नोइंग, इस वक्त तक बर्फ़ पड़ना शुरू हो गई थी। ऑल दो इट वॉज कोल्ड, अगर ठंड थी द स्वालो वुड नॉट लीव द प्रिंस बिकॉज ही नाउ लव्ड हिम टू वेल। स्वालो ने फैसला किया कि वो प्रिंस को छोड़ कर नहीं जाएगा, क्योंकि अब उसको प्रिंस से बहुत ज़्यादा प्यार हो गया था उसके गुड डीड्स की वजह से। बिकॉज बोथ द प्रिंस एंड द स्वालो हैड अ वेरी लविंग एंड केयरिंग हार्ट, तो इस अटैचमेंट की वजह से उनकी दोस्ती हो गई थी, उसको इतना प्यार हो गया था प्रिंस के साथ कि वो सख्त सर्दी और बर्फ़बारी के बावजूद वहाँ से प्रिंस को छोड़ के जाना नहीं चाहता था। However, when he knew he was about to die, ताहम जब उसे पता चला कि अब वो मरने वाला है, he picked the prince on the cheek and fell down dead. उसने प्रिंस को उसके चेहरे पे प्यार किया और गिर के मर गया। अंडरलाइन करेंगे आप, pecked cheek. Early next morning, अगले दिन सुबह, द मेयर एंड हिज एंटोर्ज वर वॉकिंग अक्रॉस, मेयर और उसके साथी स्क्वायर के इर्द गिर्द वॉक कर रहे थे फॉर अ मीटिंग एट द सिटी हॉल। सिटी हॉल में होने वाली एक मीटिंग के लिए अगली सुबह मेयर और उसके साथी, उसके दरबार के लोग, उसके ऑफिस के लोग जो है वो उसके स्क्वायर के पास से गुजरे। द मेयर लुक्ड अप एंड एक्सक्लेम्ड, मेयर ने ऊपर की तरफ देखा और वाजे किया, डियर मी
हाउ शैपी एंड डल द प्रिंस लुक्स, कितना डल और कितना बेरंग बदनुमा लग रहा है शहजादा। अंडरलाइन करेंगे आप एंड टूच स्केयर शेबी डल। द मेयर ऑर्डर्ड दैट द स्टेचू बी पुल्ड डाउन एंड मेल्टेड टू मेक अ न्यू वन। मेयर ने हुक्म दिया कि स्टेचू को खींचा जाए, नीचे उतारा जाए और इसको पिघला कर एक नया स्टेचू बनाया जाए, विच वुड देन बी इरेक्टेड इन इट्स प्लेस, जो कि बाद में इसकी जगह पर लगा दिया जाएगा, फिक्स कर दिया जाएगा। अंडरलाइन करेंगे आप मेल्टेड एंड इरेक्टेड। व्हेन द मैन मेल्टेड द स्टेचू, जब आदमियों ने जिसको इस काम के लिए लगाया गया था स्टेचू को मेल्ट करना शुरू किया, पिघलाना शुरू किया, दे फाउंड अ हार्ट शेप्ड ऑब्जेक्ट दैट वुड नॉट मेल्ट, उन्होंने एक दिल की शक्ल का एक चीज़ देखी जो कि मेल्ट नहीं हो रहा था। दे थ्रू द हार्ट ऑन टू द रबिश डंप वेयर द डेड स्वैलो ऑलरेडी ले, उन्होंने उस दिल को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया जहाँ पर मरा हुआ स्वैलो ऑलरेडी पड़ा हुआ था। Bring me the two most precious things in the city, said God, up high in the heaven. कह रहे हैं कि खुदा ने आसमान पर फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरे लिए दुनिया से दो इंतहाई कीमती चीज़ें लेकर आओ, शहर से इंतहाई कीमती दो चीज़ें लेकर आओ। An angel brought him the leaden heart and the dead bird. एक फरिश्ता उसके लिए उनके लिए लेकर आया एक लेड का बना हुआ दिल और एक मरा हुआ परिंदा। गॉड सेट इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, अल्लाह ने कहा कि मेरे जन्नत के बागों में दिस लिटल बर्ड शेल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड द हैप्पी प्रिंस शेल प्रेस मी। अल्लाह ताला इस बात से खुश हुए इतना खूबसूरत इतने कीमती चीज़ें देखकर, और आपने फरमाया कि मेरे जन्नत के बागों में ये छोटा परिंदा हमेशा गाता रहेगा और मेरे गोल्ड के शहर में हैप्पी प्रिंस हमेशा मेरी तारीफ करता रहेगा। अंडरलाइन करेंगे आप इसमें ऑब्जेक्ट रबिश डम्प प्रेशियस हेवन प्रेस। एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, read it one or two time by your own self and write the dictation words with their meanings, at least 10 words on your notebooks. Tomorrow we will do the reading comprehension and the related exercise. Goodbye.